Welcome back to my channel. You're watching Dosho Puja and it's me Purvasha. So आप लोग सब बताओ, आप लोग पहले बताओ कैसे हो आप लोग. मैं ठीक हूँ. आज ये वाला वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी जो भी मुझे कमेंट्स में आया है. जैसे मेरा कोई कमेंट्स में मैक्सिमम मुझे बोले गए मेरा हेयर कट करने के लिए, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैं हेयर कट बहुत जल्दी आप लोगों के पास वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरा जो अभी हेयर्स है अभी एकदम शेप में है, एकदम छोटा छोटा ही है, तो अभी कट करने का ज़रूरत नहीं है. बट आफ्टर 1 to 2 weeks में भी मैं कट करूँगी, क्योंकि ये जो आप लोग सामने जो हेयर देखते हो ये भी घर में कट करती हूँ. और जो मेरा लॉन्ग हेयर है ये मैं लॉन्ग रखती हूँ, नीचे से सिर्फ स्ट्रेट काटती हूँ, वो मैं बाहर काटती हूँ नॉर्मली. बट ये सामने का अगर कटिंग आप लोगों को देखना है तो मैं आफ्टर 2 weeks या 3 weeks जब तक ये लंबा हो जाता है तब मैं ये अपलोड करूँगी. सो तब तक के लिए आप लोग मेरा जो आदर्श वीडियो है वो वाला देखो. एंड ये जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आप लोगों को मैं वो जो कमेंट्स में मैं टैग आपका जो कमेंट्स में मैं टैग जो है वो मैं शेयर कर दूँगी. सो आज का जो वीडियो है वो मैं करने जा रही हूँ हेयर के ऊपर ही. बट हेयर के ऊपर मीन्स मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो स्ट्रेटनर कम कार्लर जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी. 299 समथिंग प्राइस आया था इसका, मैंने चेक भी किया अभी भी 299 ही है. सो ये वाला प्रोडक्ट का आज मैं रिव्यू शेयर करूँगी फर्स्टली. और आप लोगों को जिन लोगों को लगता है कि स्ट्रेट करना चाहिए बट पार्लर में जाके करने से क्या है, नॉर्मली हेयर डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि उन लोग बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं, तो आप लोग अगर होम मेथडली नॉर्मल स्ट्रेटनर खरीद के करना चाहते हो तो नॉर्मली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि बहुत जन नॉर्मली होते हैं कि हाँ अच्छा ब्रांड खरीदना है तो अच्छा प्राइस लगेगा, तो आप लोग अगर नॉर्मली उतना ब्रांड अगर नहीं खरीद रहे हो, नॉर्मल अगर बेसिक ब्रांड पॉकेट फ्रेंडली बजट में आप लोग पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो मैं जो ये प्रोडक्ट शेयर करूँगी ये प्रोडक्ट आप लोग खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट से. ये जो प्रोडक्ट है मैं दिखा देती हूँ, ये है नोवा जो नॉर्मली अच्छा ब्रांड है. आप नॉर्मली कोई भी अच्छा ब्रांड के एकदम बहुत अच्छा टॉप ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है इसका. बट नोवा में मेरे एज अ फीडबैक मैं बोलूँगी अच्छा है, मैं यूज़ की हूँ, इसका स्ट्रेटनिंग क्वालिटी भी बेटर है, कर्ल भी हो जाता है. हाँ बट अगर नॉर्मली आप अगर सीरम यूज़ करते हो या कार्लर हेयर स्प्रे यूज़ करते हो तो ज़्यादा हेयर जो है वो ज़्यादा मतलब लास्ट करता है जो स्ट्रेटनिंग या कार्लिंग जो भी है. नॉर्मली अगर आप लोग हेयर स्प्रे यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास ख़रीदा हुआ नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ बाद में खरीद सकती हूँ, बट एट द टाइम मेरे पास नहीं होता है. सो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, नॉर्मल जो भी हेयर है आप स्ट्रेट करना चाहते हो स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल करना चाहते हो कर्ल कर सकते हो. तो आज जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ये वाला प्रोडक्ट का, मैं स्ट्रेट एक साइड स्ट्रेट करके दिखाऊंगी और एक वाला साइड में कर्ल करके दिखाऊंगी, ठीक है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. फर्स्टली मुझे ये फर्स्ट हीटिंग करना पड़ेगा, इसको गर्म करके अच्छे से 1 मिनट तक मुझे गर्म करना पड़ता है. उसके बाद ये गर्म हो जाने से बाद हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं ये गर्म करने के लिए फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ. ये जब भी आप प्लाक ऐड कर रहे हो इसके बाद इधर एक दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, इधर एक बटन रहेगा, ऊपर में लाइट और नीचे में ऑन एंड ऑफ बटन रहता है. ये आप अगर प्लाक नॉर्मली ऑन करके भी उधर अगर ये वाला जो बटन है ये अगर प्रेस नहीं करते हो, देखिए एक रेड कलर का सिग्नल आ रहा है, प्रेस नहीं करते हो तो नॉर्मली ये स्टार्ट नहीं होगा जो स्ट्रेटनर है प्लस कार्लर है. तो ये मैं अभी ऑफ कर दे रही हूँ, अभी मैं इसको ऑन कर रही हूँ. अभी जैसे ऑन कर रही हूँ तो ये स्टार्ट होगा हीटिंग, ठीक है. और इसका दो प्रोसेस है, जैसे कर्ल भी होता है और स्ट्रेट भी होता है. तो मैं बोल देती हूँ इसके
पीछे पार्ट में ये वाला एक बटन है, ठीक है। सो ये वाला बटन क्या यूज होता है, ये वाला जैसे ही हो जा रहा है, ये वाला जैसे ही हो जा रहा है, ये स्ट्रेटनिंग का ऑप्शन है, स्ट्रेट करने का ऑप्शन है। आपको अगर स्ट्रेट नहीं करना है तो आप इसको ज्वाइन करके ये वाला जो बटन है इसको ऊपर कर सकते हैं, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो अभी इसको कर्लर की जैसे यूज करते हैं। कर्लर की जैसे क्यों, ये वाला एक ऑप्शन रहता है, इसको आप नॉर्मली ओपन करके कोई भी हेयर को आप इसके ऊपर कर्ल करके फिट कर सकते हैं। और जैसे स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट करने से ये वाला ओपन कर देना पड़ेगा और कोई भी हेयर को इसके अंदर देके स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं ये वाला साइड कर्ल करती हूँ, ठीक है। गरम भी हो गया अच्छे से। आपको जब भी कर्ल करना है तो बहुत ज्यादा हेयर को नहीं लेके करना, क्योंकि तो फुल हेयर में आपका जो कर्ल है वो अच्छे से नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा करके हेयर आपको डिवाइड करके लेके करना पड़ेगा। अगर छोटा छोटा क्लिप रहता है वो अगर आप नॉर्मली हेयर में अटैच करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर नॉर्मल नहीं रहता है बड़ा क्लिप होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत गर्म रहता है, फर्स्टली इसको पकड़ना बहुत मुश्किल, ठीक है। मैं नीचे की तरफ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। कोई अगर कर देता है ना कर्ल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा मैं इधर से दिखाती हूँ, ऊपर में ना बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, सो मैं कैमरा में अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। अभी इसको नॉर्मली आपको नॉर्मली एवरेज आइडिया मिल जाएगा। ये वाला अगर कलर आप लोग परचेस करना चाहते हो फ्लिपकार्ट से, नॉर्मली मैं अभी भी प्राइस चेक की हूँ, 299 ही ले रहा है। सो যারা আমার রিসাইটেশনের ভিডিওতে কমেন্ট করেছো আমি তাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ বলছি, খুব ভালো লেগেছে আমার। আর তোমাদের যদি ভালো লাগে আমাকে আমার রিসাইটেশনটা, তাহলে আমাকে আরো কমেন্ট করো। আর কি ধরনের ভিডিও তোমরা চাইছো আমাকে কমেন্ট করে বলতেই পারো, যে কি ধরনের তোমরা আমাকে সাজেস্ট করতে পারো টপিক, আমি কি টপিকের উপর ভিডিও বানাবো। সো তোমরা আমাকে টপিক দেবে, ইভেন তোমাদের নামও মেনশন করে দিতে পারো যে আমি এই টপিকটা দিচ্ছি, এই টপিকে তুমি ভিডিও বানাতে পারো, তো আমি তোমার নামও মেনশন করে আমি ভিডিওটা বানাতে পারবো। यार 299 में आपको अगर इतना अच्छा कलर मिल जाएगा तो आप लोग ले ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग ले सकते हैं, हम लोग एफोर्ड भी कर पाएंगे कि हाँ सस्ते में है, चलो ले भी लेते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा ही हेयर लेके कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे ही करना है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट में कर्ल करना है। आप लोग अगर फुल हेयर कर्ल करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और बहुत कम हेयर कट मतलब लेना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे इतना पतला पतला लेना पड़ेगा कर्ल होने के लिए। जैसे ही कर्ल हो जाता है तो मैं क्लिप के साथ इसको अटैच कर दूंगी। खोल के देख लेती हूँ, फिर अगर नहीं होता है फिर बाद में दोबारा ट्राई करती हूँ। मेरा ना ऐसा ही होता है, मैं जब भी कर्ल या स्ट्रेट करने जाती हूँ ना, मुझे लगता है मैं जल्दी जल्दी खोल के देख लेती हूँ कितना हुआ है पहले देख लेती हूँ, फिर ऐसे करते करते ना इतना कम टाइम ले लेती हूँ, ठीक से होता ही नहीं, बट ये अच्छा हुआ है, देखो सी ये अच्छा ही हुआ है, खराब नहीं हुआ है।
नीचे के साइड में, अगर मैं थोड़ा सा और रख के मैं उतना अच्छा अभी कहीं बाहर नहीं जाना है तो सिर्फ रिव्यू मुझे शेयर करना है बोल के मैं कर रही हूँ। अगर नॉर्मली मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैं कर्ल करती हूँ, स्ट्रेट करती हूँ, तो करने के साथ साथ, स्ट्रेट करने का वो झमेला नहीं रहता है, बट कर्ल करने के साथ साथ मैं क्लिप के साथ अटैच कर देती हूँ। तो क्या है, आप लोग अगर हेयर स्प्रे नहीं यूज कर रहे हो तो ये ज्यादा देरी आप लोगों का स्टे करता है। ये वाला पार्ट में भी मैं थोड़ा सा रिवाइव करती हूँ तो आप लोगों को दिखने में कंफर्टेबल होगा, पब्लिक अच्छा है। मैं ऐसा फीडबैक नोवा का अच्छा ही बोलूंगी क्योंकि ये बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अभी आप लोग यूज करके देख सकते हो, खरीद के देख सकते हो, और फ्लिपकार्ट का रिटर्न पॉलिसी भी रहता है, आप लोग ले लो फ्लिपकार्ट से लेके एक दिन नॉर्मली यूज करके देखो, अगर नॉर्मली नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग नॉर्मली इसको रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट कर लो, कभी भी आप नॉर्मली ये वाला पार्ट से स्ट्रेट मत किया करिएगा, ठीक है, क्योंकि तब क्या होता है हेयर फॉल होने का चांसेस रहता है। जब भी करना है इतना से स्टार्ट करो, उसको अच्छे से पेशेंस से उसको लो, उसको अच्छे से प्रेस करके नीचे तक ले। और मेरे से ना वही नहीं होता है, मैं सोचती हूँ हाँ थोड़ा रुक गई तो ठीक है अभी तो हो गया शायद, फिर मैं खोल के देखती हूँ थोड़ा सा वेवी वेवी स्टिक। सो आप लोग देख रहे हो मेरा पहले थोड़ा सा जो हेयर वेवी था, मतलब थोड़ा सा वेव वेव था, वो एकदम स्ट्रेट हो गया है, और जो स्ट्रेटनर है वो अच्छे से हीट भी हो गया है। This is very nice. मैं इतना अच्छे से कर्लिंग जो है वो दिखा नहीं पा रही थी, बट स्ट्रेटनिंग जो है मैं अच्छे से दिखा पा रही हूँ, तो देख पा रही हूँ। It's actually working. It's very nice. Then buy this. See? Very. ये है स्ट्रेटनर पार्ट। अभी मैं ये वाला खोल के देखती हूँ कर्लर का मेरा क्या अवस्था है। स्ट्रेट हेयर एंड दिस इज माई कर्ल हेयर। सो आप दोनों टाइप का देख सकते हो। तो आपको 299 में मिल रहा है नोवा का प्रोडक्ट, तो आप लोग नॉर्मली फ्लिपकार्ट में जाओ, जाके नॉर्मली कंफर्टेबली आप लोग परचेस कर सकते हो, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फ्लिपकार्ट से परचेस करने के नॉर्मली ऑनलाइन से हर एप्लीकेशन में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट फ्लिपकार्ट अमेजोन में होता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में से आप अगर परचेस करते हो नॉर्मली उधर रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल रहता है, अगर पसंद नहीं आता एक दो दिन यूज करो करके देखो तो रिटर्न कर दो। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो में जाके लाइक करो, मेरा चैनल में जाके सब्सक्राइब करो, और मुझे ढेर सारा कमेंट्स करो मुझे किस टाइप का वीडियो बनाना है और किस टॉपिक में बनाना है। जिन लोग जो भी टॉपिक सजेस्ट करते हो उसके नीचे उनका नाम मेंशन करके दे दो, और उसमें सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो एंड शेयर करो एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलो। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।